हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ के रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, चलो पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू वन और ग्रेटर देन टू वन। ओके, या तो जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री वन के जितनी होगी या वन से ज़्यादा होगी। टी एच एन देन एन टू वन एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। जो ए है वो हमारा कोई भी रियल नंबर है, मीन्स कोई भी नंबर है। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब अभी 2.1 में मैंने सिखाया था, तो लीनियर का मतलब जिसकी पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होगी, क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। इसमें ये क्या कह रहा है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन। कोई पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री वन है और वन से ज़्यादा है। देखो बेटा, अगर वन से डिग्री कम होगी, सपोज़ ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, मतलब हमारा वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए डिग्री वन होनी चाहिए। देखा होगा आपने, लिखते हैं एक्स की 2-5, एक्स की 3-3, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मतलब एक्स की पावर होती है, अगर कोई भी पावर नहीं है तो हम क्या मानते हैं, सपोज़ एक्स माइनस फाइव है तो एक्स की पावर कितनी हो गई, ऑटोमेटिकली वन। तो इस तरीके से होगा। और लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए जो है वो हमारा कोई भी रियल नंबर है। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमल एक्स माइनस ए, अगर हम पी और ये एक्स है इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, एक्स माइनस ए से, देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, पी ब्रैकेट में ए। इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा, देखो हमने क्या लिया, लेटर एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल था जो उसने हमें बताया था, और उसके बाद उसकी डिग्री कितनी थी, वन और वन से ज़्यादा होगी। अगर हम मानते हैं पी एक्स को डिवाइड किया हमने एक्स माइनस ए से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अगर पी एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, तो जो हमारा क्वेश्चन ये तो हो गया, डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आए क्यों, और यहाँ पर एक्स ही आएगा क्वेश्चन में, एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, आर एक्स होगा। अगर इसको हम इस तरीके से डालते हैं कि अगर पी एक्स है, मतलब ये हमारा हो गया डिविडेंट, और ये हमें किससे डिवाइड करना है, क्वेश्चन क्या था उसका, एक्स माइनस ए था, हमें बताया था कि अगर हम डिवाइड करते हैं पी एक्स को, डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, देन हमारा क्वेश्चन क्यू एक्स होगा और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, आर एक्स। ठीक है, इस आर एक्स की जगह आप खाली आर भी लिख सकते हो। अब बच्चा देखो, अगर अब ये एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो देखो हमने पिछले क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू रख करके पुट किया था ना, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, तो ऐसे ही इसमें वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए। तो देखो बच्चा, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम करेंगे 2 पॉइंट, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज की उसके क्वेश्चन में जो हमने जीरोस निकाले थे उसके मेथड से, जीरो प्लस ए, तो क्या हो गया, ये हमारा ए आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ए आ गई। तो मतलब यहाँ पर अगर वो है हमारा एक्स है, तो उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। ठीक है बेटा, तो जैसे ये हो गया आपका पी ए इज इक्वल टू
ए माइनस ए, ठीक है बेटा, क्या हो गया ए माइनस ए इंटू क्यू, और एक्स की वैल्यू क्या है हमारी ए, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला था हम आर एक्स ना लिखें और आर लिखें तब भी चलेगा हमारा। अब देखो बेटा ये हो गया हमारा देखो बच्चा, और यहाँ पर जो इसका रीज़न है कि हम एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बेटा मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल अगर इसके अंदर सॉल्व कराऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो अभी हम डिवीज़न सीखेंगे। डिवीज़न में क्या होगा, जब भी आप सपोज़ आप डिवाइड कर रहे हो किसी इक्वेशन को, एक्स की 4 + 3 को डिवाइड कर रहे हो, किस से डिवाइड कर रहे हो, एक्स से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा आपकी एक्स की यहाँ पर आप 4 लोगे जो एक्स की 4 से कट जाएगी, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। मतलब जो आपका रिमाइंडर होगा, यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ आपको एक जगह, कि जो रिमाइंडर होगा वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी, रिमाइंडर क्या होगा आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा अगर आप लीनियर से भी डिवाइड कर रहे हो तो। अभी मैं आपको वो एग्जांपल दे करके डिवाइड करके सिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर एक्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एक्स इज कांस्टेंट वैल्यू। तो बेटा देखो पी ए इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा इंटू क्यू ए प्लस रिमाइंडर, ओके। तो अब आपका क्या हो गया पी और ए, आपका ए से ए गया था तो माइनस हुआ तो 0 हो गया इंटू क्यू ए प्लस रिमाइंडर। बेटा अब देखो यहाँ पर अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस आर, तो आपका आर हो गया, ठीक है, ये आपकी रिमाइंडर हो गई। इसको देखो हम एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। आपका ये एग्जांपल 9 है, इसको मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखाऊंगी। देखो बच्चा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की 4 + x की 3 - x 2x की पावर 2 + x + 1, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन से, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी रख करके दिखाऊंगी और डिवाइड करके भी दिखाऊंगी, तो सीखना बहुत ध्यान से। आपकी ये क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो। अब हम करते हैं इसको, देखो एक्स माइनस किससे करना है, 1 से हमको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 + x की पावर 3 - 2x की पावर 2 + x + 1। तो देखो बेटा हम लोग एक ही नंबर लेते हैं, हमको क्या करना होता है, इस एक्स को ख़त्म करना होता है, ओके। अब देखो बेटा ये एक्स की 4 है और नीचे आप एक्स है, तो कट गया तो कितना बचा एक्स की 3। 9th में 8th में सीख करके आए हो आप लोग ये चीज़, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, एक्स की 3 से। यहाँ एक्स की 3 लिखी, एक्स की 3 और एक्स को गुणा किया तो कितना है एक्स की 4 आया, ये हो गया एक्स की 4। अब इस माइनस 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा, माइनस एक्स की पावर 3, ओके, माइनस एक्स की पावर 3 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये इसके आगे भी कुछ नहीं, इसके आगे भी कुछ नहीं, मतलब इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1, और ये वाला साइन ख़त्म हो जाता है, नीचे वाला साइन चलता है, और 1 और 1 कितना हो गया 2x की 3, ओके। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज़ उतारो, 2x की 2 + x + 1। अब देखो बेटा आपका क्या है यहाँ पर 2x की 3, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स से डिवाइड किया तो एक्स की 2 आया और ये वाला 2 बच गया, यानी हमको क्या लिखना पड़ेगा 2x, यहाँ पर 2x लिखेंगे। अब देखो यहाँ साइन मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो वो चीज़ देखो आपके इसके आगे जो साइन होगा ना आपको वो पुट करना है। अभी 2 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, कोई साइन नहीं, तो पॉजिटिव साइन है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाइएगा, ओके। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन लगाइए। अब देखो 2x को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 2x की 3 आ गया, ओके बच्चा, और अगर 1 को 2x से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब ये तो स्क्वायर है, ये लीनियर है, तो हम लीनियर के नीचे लीनियर को लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2x, ओके बच्चा। अब देखो इसका साइन चेंज किया माइनस, इसका साइन चेंज किया प्लस, ये वाला साइन ख़त्म हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब ये देखो माइनस
और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जिसके आगे कुछ नहीं, वन वन और टू कितना हो गया, थ्री, ये हो गया 3x + 1। बेटा हमारा -2x² बचा है, इसको एज इट इज़ उतारेंगे, ठीक है, और इनके आगे प्लस का साइन है। अब देखो बच्चा, आपका यहाँ पर है -2x² और आपको करना है इसको x से डिवाइड, तो x से x कट गया तो आपका सिंगल x बच गया और -2x, तो यहाँ पर आप लिखोगे। और वैसे भी मैंने बताया जो साइन यहाँ पर होता है वही साइन आपको यहाँ पे पुट करना होता है, -2x, तो आपका क्या आ गया ये -2x को x से करोगे तो 2x² और -2x को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है इसको और इसको, तो -2x - 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2x + 1, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2x+। ओके, और लीनियर है तो लीनियर को लीनियर के नीचे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 2x, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये साइन ख़त्म हो गया, ये साइन ख़त्म हो गया हमारा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो प्लस माइनस, माइनस बड़ी संख्या के आगे क्या साइन है, पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव साइन लिखते नहीं हैं, हम लोग पॉजिटिव साइन लिखते नहीं हैं, पॉजिटिव साइन नहीं लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री में से यहाँ तो हाँ तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा, और ये जो वन है इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे क्योंकि ऊपर वाली लाइन का कैंसिल नहीं होता है, नीचे वाली लाइन का कैंसिल होता है। तो देखो बेटा ये x+1 है, ये x-1 है, एक्स को ही हमें जनरली कैंसिल करना होता है, एक्स से एक्स कट गया तो वन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम साइन चेंज करते हैं तो, हम लोग साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ही नेगेटिव आ जाएगा, और प्लस के आगे ये तो +1 - 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1। तो बेटा देखो अब ये इसका साइन चेंज करो तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, कितना आ जाएगा 2। देखो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं आपको यहाँ दोबारा समझा देती हूँ, ये x+1 है, ये आपका x-1 है, आप लोग इसको माइनस कर रहे तो ये साइन चेंज होगा और इसके आगे क्या साइन होगा, प्लस का साइन, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब ये हो गया पूरा डिवीज़न मेथड से रिमाइंडर निकालना, याद रखिएगा इसका रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम के साथ करेंगे, कैसे आएगा, चलो रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था, x³ - 2x² + x + 1, जिसको हमें डिवाइड क्या करना था, x-1 से, और हमें रिमाइंडर निकालना है, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें से हमें वैल्यू बनानी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो 2 पॉइंट जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी उसका लास्ट क्वेश्चन के तरीके से करेंगे, x-1 = 0, x = ये आपका -1 है, इधर जा कर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 + 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। ओके, अब जहाँ जहाँ आपका एक्स है इस इक्वेशन में उसकी जगह आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ये हो गई आपकी px। ओके, अगर हम इतना लिखेंगे तो, बात समझ में आई बच्चा, इतना लिखेंगे px, तो मैं आपको यहाँ पर लिखना सिखा रही हूँ, px = x³ + x³ - 2x² + x + 1। ओके, अब x की वैल्यू आपकी क्या आई है, पॉजिटिव 1, तो 1 = 1^4 + 1^3 - 2 1² + 1 + 1। तो देखो इसको सॉल्व करो, 1^4 है मतलब 1 × 1 × 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा, 1^3 है, पॉजिटिव है तो 1 का 1। अब देखो बच्चा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 × 2 = 2 - 2, आपका ये +1 और ये आपका +1। अब यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, 1 और 1 कितना हो गया, 2 - 2, 1 और 1 2 - 2 + 2,
ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से आंसर निकल गया। देखा आपने, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने के बाद सॉल्यूशन कितना इजीली निकल गया, अदरवाइज हमें कितना लंबा डिवाइड करना पड़ा था। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड योर रिमाइंडर थ्योरम। प्लीज़ इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।